गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जयति गोसाई, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री। तो ये जो क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर और जो बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक, दोनों के अंदर कॉमन पेपर रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे, कौन कौन से, डी ब्रॉग्ली इक्वेशन, उसके बाद हमने हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल पढ़ा, फिर हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी, उसके बाद हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े और क्वांटम नंबर्स के बाद हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़े, ठीक है। तो उसके बाद कल मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर जो था उसके अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है या फिर हमें इलेक्ट्रॉनीय विन्यास किसी भी एलिमेंट का लिखना है, तो उसके लिए हमें क्या है, कुछ ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे सिद्धांत दिए। तो मैंने जो कल तीन आपको सिद्धांतों के नाम या प्रिंसिपल जो थे या जो रूल्स थे उनके नाम मैंने आपको बता दिए थे, कौन कौन से। एक तो पॉलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड का मल्टीप्लिसिटी का रूल और तीसरा ऑफ बाव का प्रिंसिपल। तो ये तीनों में जो ये तीन थे, ये जो तीनों रूल थे वो किसके लिए यूज किए गए किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनीय विन्यास को लिखने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो ये जो तीन रूल्स दिए गए, इसमें सबसे पहला जो रूल है वो कौन सा है, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब पॉली का जो एक्सक्लूजन सिद्धांत है वो दिया गया, ठीक है। जो ये पॉली थे इन्होंने अपने प्रिंसिपल या अपने सिद्धांत के अंदर क्या कहा, तो वो देखो कि जो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के, उनकी जो वैल्यूज आएंगी क्वांटम नंबर की वो कभी भी सेम नहीं होगी, मतलब कि जैसे कि एन एल एम और एस, ये क्या थे हमारे क्वांटम नंबर्स निकल जाते, कौन कौन से, ये मुख्य क्वांटम संख्या, ये एलिमेंटल या सेकेंडरी क्वांटम संख्या, ये वाली मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और लास्ट में स्पिन क्वांटम संख्या। और इन्हीं क्वांटम संख्या के आधार पे हमने कल क्या देखा था, कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, तो उसके अंदर हमने ये चीज देखी थी कि हम कैसे अगर हमें इलेक्ट्रॉनीय विन्यास दे रखा है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, और अगर हमें इनकी वैल्यूज दे रखी है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिख सकते हैं। लेकिन एक तो ये बात है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना किसके बेस पे, क्वांटम नंबर्स के बेस पे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, तो साइंटिस्ट ने ऐसा किया कि उनमें जो ये विन्यास लिखने में कुछ गलतियां हुई, तो उसके बाद उसके बेसिस के ऊपर ये कुछ ऐसे सिद्धांत आए, कौन से, तीन सिद्धांत जो जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, कौन कौन से, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड का मल्टीप्लिसिटी रूल और ऑफ बाव प्रिंसिपल। इसके बाद एक और रूल आएगा एन प्लस एल का रूल, तो वो भी अच्छा। एक और बात, जो ये सिद्धांत है इन सभी सिद्धांतों को जो मिला के सिद्धांत किया, फिर मतलब जो मेन जो सिद्धांत है सबसे ज्यादा वो कौन सा है, ऑफ बाव का जो प्रिंसिपल है उसी के अंदर ये सारे सिद्धांत आते हैं, या फिर इसको अलग से भी पढ़ सकते हैं, मतलब आपकी बुक के अंदर ये ऐसा दे रखा है कि जो ऑफ बाव का जो प्रिंसिपल है उसके अंदर एन प्लस एल रूल, उसके बाद हुंड का मल्टीप्लिसिटी रूल और पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये उस तीनों के पार्ट दे रखे हैं, या फिर हम इसको अलग से भी पढ़ सकते हैं, उसके अंदर मतलब ज्यादा कोई मैटर वाली बात नहीं है, दोनों तरह से ये सही है। तो हमारा पहला ये चला था पॉली का एक्सक्लूजन सिद्धांत। तो इसमें इसने अपने सिद्धांत के अंदर जो स्टेटमेंट दिया वो क्या दिया कि एनी टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन नॉट हैव आइडेंटिकल वैल्यूज फॉर ऑल क्वांटम नंबर्स, मतलब ये कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की, कोई भी जो ऐसा एटम है उसके दो इलेक्ट्रॉन्स की को जो वैल्यूज है, जिसकी क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज होगी वो कभी भी सेम नहीं होगी। उसके बाद उसने ये बताया कि जो कोई भी जो क्या कहते हैं शेल होगी, या तो जो कोई भी शेल लेकर हमने बात करी थी, जो ये प्रिंसिपल क्वांटम संख्या ये हमें क्या बताती है, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताती है कि किसी भी जो एटम है उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ शेल्स होगी, जैसे कि एन की वैल्यू अगर वन है तो के शेल होगी, एन की वैल्यू टू है तो एल होगी, ऐसे ही थ्री फोर एम एन ऐसे ही चलता रहेगा, नंबर ऑफ शेल्स जैसे बढ़ती रहेगी। तो उसके बेस पे उसने ये बताया
एस की जैसे वैल्यूज है, जो ये एस पी डी एफ को हमारे को पता है हमारे पास चार अक्षर होते हैं कौन से, एस पी डी एफ। तो उसने उससे ये कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल। तो एस के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो दो भरे जाएंगे, ठीक है। पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। ऐसा किसने कहा? और कौन ने कहा? उन्होंने उसके लिए एक दो फॉर्मूलाज दिए, कौन से? एक तो सब शेल मतलब कि एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो अगर इसको सॉल्व करें इससे, अब अगर एस क्या है 2, मतलब एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, ये कैसे निकलेगा इसको देखो, जैसे 2 और उसके बाद 2। अब एल की वैल्यू एस के लिए कितनी होगी, एस कक्ष के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें पता है कि एल की वैल्यू 0, फिर 1, 2, 3, 4। तो एल की वैल्यू जब 0 होती है तो एस होता है, 1 होती है तो बी होता है, 2 होती है तो डी होता है, 3 होती है तो एफ होता है। ये हमने कल क्वांटम नंबर्स में कैलकुलेट किया था। तो अब यहाँ पे एस के लिए वैल्यू कितनी होगी, 0, तो 2 0 0 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 2 आ गए। अब ऐसे ही हम निकाले किसके लिए, पी के लिए निकाले। तो पी के लिए क्या हो जाएगा, ये एक मिनट लीजिए, तो पी के लिए देखो क्या हो जाएगा, 2L+1। अब पी के लिए हमें एल की वैल्यू पता है कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 2 जब 4 प्लस 1, एल की वैल्यू 1 होती है, सॉरी पी के लिए, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 3 2 जा 6। मतलब ये इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कितने भर जाएंगे, 6 भर जाएंगे। फिर ऐसे ही डी के लिए निकाले, 2 2 एल प्लस 1, एल की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 5 2 जा 10, तो डी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भर जाएंगे, 10 भर जाएंगे। उसके बाद एफ के लिए निकाले ऐसे ही सेम, तो वही सेम फॉर्मूला, 2 2 एल प्लस 1, एफ की वैल्यू कितनी होगी, मतलब एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, तो एल की वैल्यू 3 होगी, 2 3 6 प्लस 1 7, तो ये कितना आ गया, 40। मतलब कि एफ के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे मैक्सिमम, वो कितने बढ़ जाएंगे, 40। ये तो हमने बात करी सब शेल की। अब उन्होंने एक और फॉर्मूला दिया शेल का, कि किसी भी शेल के अंदर जो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होंगे। जैसे कि पहले जो शेल होती है, जब एस इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, देखो जब n इज इक्वल टू 1 है तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मतलब ये कि जो k शेल है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भर जाएंगे, 2 भर जाएंगे। जब n इज इक्वल टू 2 आ गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब कि जो l शेल है, ये से नेक्स्ट शेल है, उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे वो कितने भर जाएंगे, 8 भर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो दोबारा सुन लो, दो चीजें हैं देखो, एक तो है शेल और एक है सब शेल। शेल क्या है, जो ये के एल एम एन ओ, ये तो क्या है, नंबर ऑफ शेल्स है। और सब शेल क्या है, जिसको हम कक्ष के ऑर्बिटल भी बोलते हैं, जो ये एस पी डी एफ है। तो एस के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये क्या था, पॉली का सिद्धांत था। इसमें दो ऐसे फॉर्मूलाज दिए, कौन कौन से, शेल के लिए 2L² और सब शेल के लिए 2 2L+1। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि किसी भी जो एलिमेंट है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जाएंगे। और उसने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि कोई भी जो दो इलेक्ट्रॉन है उनकी एन एल एम और एस की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। क्यों नहीं सेम हो सकती, देखो अब मान लीजिए हमारे पास है 1s2, ठीक है, कोई जो एलिमेंट है उसका कॉन्फिगरेशन कितना है, 1s2 है। अब 1s2 के लिए इसकी n की वैल्यू कितनी होगी, 1, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू s के लिए कितनी होती है, 0, उसके बाद n l, फिर m, और m की वैल्यू हमें पता है
जीरो है तो ये भी जीरो ही आएगा, एम भी, क्योंकि एम का फॉर्मूला क्या था, माइनस एल टू प्लस एल, तो एम भी जीरो। और उसके बाद एस जो तीन है उसकी तो वही माइनस हाफ गया हो गया प्लस हाफ गया, उसकी तो करनी पड़ा, मतलब मेन जो ये तीन वैल्यूज है। अब ये देखो उसके बाद टू एस टू है, ये तो था वन एस टू, उसमें टू एस टू है। अब यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो चेंज होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एन है वो नंबर जो दूसरी जो शेल में चला जाएगा तो वो किसमें आ जाएगा, टू एस के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे एल की वैल्यू तो जीरो ही रहेगी और एन की भी जीरो ही रहेगी। तो इस तरह से उसने ये बात कही कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉन के लिए जो सारे क्वांटम नंबर है, चारों क्वांटम नंबर है, उन सबकी जो वैल्यूज है वो सेम कभी भी या आइडेंटिकल कभी भी नहीं हो सकती। अब पॉली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एन प्लस एल का रूल, एन प्लस एल का रूल। अच्छा, अब ये बात कही गई कि जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे किसी भी ऑर्बिटल के या किसी भी कक्षक के अंदर, वो किसके अकॉर्डिंग भर जाएंगे, एन प्लस एल के रूल। मतलब मान लीजिए कि वैल्यू कई बार क्या होता है कुछ सेम आ गई, तो इलेक्ट्रॉन तब कैसे भर जाएंगे, या फिर एक ही शेल के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन्स है उनका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो तब कैसे भर जाएंगे। तो उस केस में क्या हुआ, देखो उनकी सबकी जो वैल्यूज है, उन सबकी जो एनर्जी होती है
दोनों के लिए एल की वैल्यू तो सेम है, लेकिन उस केस में क्या करेंगे, हमने कहा कि वैसे अगर हम देखें तो एन प्लस एल की वैल्यू से निकाल लेंगे कि किसके अंदर पहले जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, किसके अंदर बाद में। लेकिन अगर क्या होता है, अगर एल की वैल्यू सेम है दोनों के लिए, ठीक है, या फिर जैसे ये देखिए दोनों के लिए, तो इसके लिए भी 3 आ रहा है, एन प्लस एल की वैल्यू इसके लिए भी सेम आ रहा है, तो तब हम क्या देखेंगे, तब हम देखेंगे कि एन की वैल्यू किसके लिए छोटी है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा। किसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, मान लीजिए एन प्लस एल की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, एन प्लस एल की वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू इसकी आ रही है एन प्लस एल, तो हमने एन प्लस एल मूल जो हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि ये एन प्लस एल मूल के अकॉर्डिंग क्या भर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे। कैसे, पहले से इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, 1s में 2 गए, फिर 2s2 2p 6, फिर 3s2 3p6 ऐसे इस तरह से। लेकिन क्या ये कह रहा है कि इसका ऑर्डर होगा, मतलब एनर्जी का जो ऑर्डर है कि कैसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, तो पहले जाएंगे जो क्या होंगे लोअर एनर्जी, तो जिनकी जो होगी कम एनर्जी वाले होंगे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसने एन प्लस एल रूल दिया, तो सबसे पहले इसमें गए 1s के अंदर, फिर इसमें जाएंगे 2s के अंदर, फिर इसमें जाएंगे। अब यहाँ पे हम सोचे कि 2s के अंदर 3s में जाएंगे या 2p में जाएंगे, क्योंकि अभी दोनों के लिए वैल्यू क्या है एन प्लस एल की सेम है, तो इस केस के अंदर क्या होगा कि जब एन प्लस एल की वैल्यू दो दो जो ऑर्बिटल है उनके लिए सेम आ जाती है, तब हम किसकी वैल्यू चेक करेंगे, सिर्फ एन की वैल्यू चेक करेंगे कि एन की वैल्यू किसके लिए कम है, तो एन की वैल्यू किसके लिए कम है, 2p के लिए कम है, तो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएंगे, 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p में, और फिर 3s के अंदर जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन की कॉन्फिगरेशन लिखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए सोडियम का लिथियम, तो ये इसी लिखा जाएगा 1s2 2s2 फिर 2p6 और लास्ट में 3s 10 में 11। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा गया। अब ऐसे नहीं लिख सकते कि 3s पहले आ जाएगा, पहले किसमें भर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, पहले 2p के अंदर भर जाएंगे, तो ऐसे ही आगे होगा कि अब जैसे मान लीजिए 4 और 4 ये वैल्यू किसके लिए सेम आ रही है, 3p के लिए भी सेम आ रही है, 4s के लिए, दोनों के लिए वैल्यू क्या आ रही है, एंटर सेल की वैल्यू आ रही है 4। तो इस केस में हम दोबारा वही चीज देखें बड़ी है, तो उस अकॉर्डिंग पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 3p के अंदर जाएंगे, और बाद में किस में जाएंगे, 4s में जाएंगे, ठीक है। अब इसी के बेस पे क्या है, एनर्जी लेवल का पूरा वो डायग्राम दिया हुआ बुक के अंदर, जैसे सिलिकॉन की पहले 1s में गए, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, तो इस तरह से पूरा डायग्राम दिया हुआ, तो वो डायग्राम आपको याद होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, तो उसके लिए आपको ये जो एनर्जी लेवल का जो ये ऑर्डर है वो आपको पता होना चाहिए, वो बुक के अंदर लाइन वाइज दे भी रखा है, जैसे 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s 3p फिर 4s फिर उसके बाद 3d, तो इस तरह से पूरा एक ऑर्डर दिया हुआ है इसके अंदर। तो ये होगा एन प्लस एल रूल, आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हुंड का मल्टीप्लिसिटी का रूल। तो हुंड ने देखिए क्या था, हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल, हुंड का मल्टीप्लिसिटी का नियम, क्या होगा मल्टीप्लिसिटी का रूल। तो हुंड ने देखिए क्या था कि मल्टीप्लिसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ जितने ज्यादा मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस हिसाब से, देखो जैसे मान लीजिए ये एस ऑर्बिटल है, ये पी है, तो उसके बाद ये डी है, एस में कितना होता है ऑर्बिटल ऐसे बनाते हैं एस के अंदर, फिर पी के अंदर ऐसे, और डी के अंदर ऐसे, एनर्जी लेवल्स होते हैं एस योर डी। तो हुंड ने क्या बात बोली कि जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी या जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे उसके अंदर क्या होगा कि जैसे सबसे पहले जो सबसे कम एनर्जी का कौन सा होता है, सबसे जिसकी एनर्जी
ने ये बात कही कि जो हुड का जो मल्टीप्लिसिटी का रूल था उसने ये कहा कि जो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां पे जाएंगे जहां पे पहले से खाली जो ऑर्बिटल है उसके अंदर जो जगह बड़ी है वहां पे। तो जितने ज्यादा पहले अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो भरे जाएंगे उसी के बेस पे, फिर उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। पहले क्या होंगे जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे भर जाएंगे, मतलब अकेले अकेले भर जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले आएंगे, बाद में उनकी पेयरिंग शुरू होगी। हमेशा पहले क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे अकेले अकेले भर जाएंगे। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसी का हम देखें तो उसके अंदर जैसे ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन में लिखा होता है 16 1s2 2s2 उसके अंदर कि वो जो रूल्स बनाए गए वो सारे रूल्स उसका
अब ओ फॉर्म का जो प्रिंसिपल था वो क्या था, वो देखो ओ फॉर्म ने ये तीनों रूल को तो मतलब उसने अपने ये तो कहा कि सारे तरह के रूल आए थे अलग अलग साइंटिस्ट ने थे, लेकिन ओ फॉर्म का जो प्रिंसिपल था उसका भी एक स्टेटमेंट था अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, उसने ये कहा था कि जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी एलिमेंट का, जो किसी भी जो एटम के अंदर जो पहला इलेक्ट्रॉन होएगा वो कहाँ पे एंटर करेगा, मतलब सबसे पहले वो वहां पे एंटर करेगा जहां पे जो एनर्जी है वो क्या होगी सबसे ज्यादा कम होगी, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एट इट्स मिनिमम एनर्जी, मतलब जहां पे ऑर्बिटल की जहां पे कक्षा की सबसे ज्यादा कम ऊर्जा होगी सबसे ज्यादा कम एनर्जी होगी वहां पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, ठीक है। उसके बाद कैसे कैसे एंटर करेंगे तो वो तो हमने एन प्लस एल टू से सीख ही लिया कि एन प्लस एल टू की जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी किसकी ऑर्बिटल्स की जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी तो उस अकॉर्डिंग कैसे कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स की वो फीलिंग है इलेक्ट्रॉन किस तरह से बढ़ जाएगी, पहले किस ऑर्बिटल में जाएंगे बाद में किस ऑर्बिटल में जाएंगे, जैसे 1s में गए फिर उसके बाद 2s में गए फिर उसके बाद 3s में 2s के बाद 2p में और फिर 3s में, अब 2p और 3s की वैल्यू सेम सेम आ रही थी तो उसमें हमने क्या कहा कि जिसकी n की वैल्यू कम होगी पहले उसमें जाएगा और बाद में उसमें जाएगा जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर इनको अगर इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उनको क्या करना पड़ेगा,
ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो ऐसे ही मतलब ये जब प्रिंसिपल आया उसके अंदर जब उन्होंने मतलब अलग अलग नियम निकाले एक्सपेरिमेंट करके, तो एक नियम ये सामने निकल के आया है जो हाफ फिल्ड मतलब की जो आधे भरे हुए या फिर फुल फिल्ड पूरी तरह से भरे हुए, जो ये वाले जो ऑर्बिटर्स होते हैं वो क्या होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं एंड एज कंपेरिजन टू अदर एलिमेंट्स। मतलब की अगर किसी के अंदर 2p4 है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकल जाएगा, या फिर अगर आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए 2p5 है तो भी ये वाला इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकल जाएगा। तो इसलिए जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड है इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है सबसे ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू अदर्स। Shapes of orbitals.